Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you article and use of definite article the. बच्चों आज हम the के बारे में बात करेंगे. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना बताया था, कहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के पार्ट में दे दूंगा. ठीक है, तो आज के हम रूल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. ठीक है, रूल फर्स्ट है द का यूज़ पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले होता है. एग्जांपल के थ्रू आप आसानी समझोगे, जैसे कि द हिमालय, द आल्पस, द विद्यांश, द ईस्टर्न गेट. ठीक है, तो इसमें एक नोट दिया गया है, आगे आपका नोट में बताया गया बेटा, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत की चोटियों के नाम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं. इसका मीन्स ये होता है बेटा, ये पर्वत श्रेणियाँ होती है, जैसे द हिमालय है, तो हिमालय में क्या है, ऐसी कई सारी चोटियाँ आती हैं. ठीक है, तो इसलिए ये पर्वत श्रेणी है और ये केवल चोटी है. ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हमें केवल पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का यूज़ करना है, ना कि चोटियों से पहले. नेक्स्ट रूल इज द का यूज रिवर्स के नाम से पहले करते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी नदियाँ उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल दिया गया आपका द गंगा. बेटा ये नदियों के नाम है जिनके आगे हम द का यूज़ करेंगे. द गंगा, द टेम्स, द यमुना, द कावेरी, द ताप्ती, कांगो, मसूरी, इंडस, सतलज, डेन्यू, हुगली, कावेरी, कृष्णा, द नील नदी, द ब्रह्मपुत्र. ये आपकी कुछ नदियों के नाम है जिनके आगे हम द का यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रूल इज द का यूज़ सागरों यानी सी, महासागर, ओशन, खाड़ी, वे या हिल के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि द का यूज़ जो भी हम करेंगे, जो जितने भी आपके महासागर हैं या खाड़ी वगैरह हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं महासागरों के नाम यानी ओशंस के नाम है द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द अंटार्कटिक ओशन. तो ये आपकी कुछ महासागरों के नाम है जिनके आगे हम द का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल बेटा सागरों के नाम यानी सी, द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, द अरबिया सी, द कैंपियन सी, द ब्लैक सी. ठीक है, तो ये कुछ सागरों के नाम है जिनके आगे आप द का यूज़ करोगे. नेक्स्ट है खाड़ी के नाम. खाड़ी के नाम है द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्की, द गोल्फ ऑफ ओलंपिया, द गोल्फ ऑफ चाइना, द गोल्फ ऑफ गुयाना. ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपकी खाड़ियों के नाम है, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं. मैंने जितनी भी जो मेन जो एग्जांपल होते हैं मैंने सब इसी में ले लिए आपके. ठीक है, लेकिन इसने बोला लेकिन हडसन बे यानी हडसन की एक खाड़ी है जिसका नाम है, उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं. इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बेटा. आर्टिकल द का यूज़ बहुत आसान होता है, बस हमें ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हमको इसको यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है. जैसे नेक्स्ट रूल में आपको बताया गया है कि द का यूज़ हम द्वीपों के यानी के ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले करते हैं. तो ये हैं द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार, द ईस्ट इंडीज, द फिलीपींस. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं. जितने भी जो मेन एग्जांपल होते हैं वो मैंने सब यहाँ पे कलेक्ट कर दिए, यानी कि इनसे अलग कोई भी आपका एग्जाम है इनसे अदर कोई भी एग्जांपल आपका नहीं लिया जाएगा. ठीक है, तो इन एग्जांपल का आप ध्यान से पढ़िएगा द का यूज़ ग्रुप ऑफ आइसलैंड. ठीक है, नेक्स्ट रूल है लेकिन इसमें बताया गया कि लेकिन खास द्वीपों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं. ठीक है बेटा, ये कुछ द्वीप दिए गए हैं जिनके नाम स्पेशल हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, शायलॉन और सिशली. ठीक है, इनके आगे हम द का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग नहरों यानी कैनल, हवाई जहाज़ों, एयरप्लेन, समुद्री जहाज, सिप, रेलगाड़ी, ट्रेन से पहले करते हैं. यानी कि जहाँ भी आपकी जो नहरें हैं या हवाई जहाज़ें या समुद्री जहाज़ें या रेल गाड़ियाँ होती हैं उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं. एग्जांपल में दिया गया आपका नहरों के नाम, द नेम्स ऑफ कैनल्स, द सेस कैनल, द शारदा, द पनाका कैनल. ठीक है, नेक्स्ट है हवाई जहाज़ों के नाम.
हवाई जहाज़ों के नाम दिए गए हैं, द मकालू, द कश्मीर, द कश्मीर प्रिंसेस। तो ये कुछ आपके हवाई जहाज़ हैं जिनके आगे हम द का यूज़ करेंगे बेटा, ध्यान से। नेक्स्ट है समुद्री जहाज। समुद्री जहाज़ हैं जैसे आपका द विक्टोरिया है, द विक्रांत, तो ये समुद्री जहाज़ हैं, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। क्योंकि द का यूज़ क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये एक डेफिनेट है, यानी एक निश्चित चीज़ के बारे में, किसी निश्चित नाम के बारे में बता रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रेलगाड़ियों के नाम, द नेम ऑफ ट्रेन, द तूफान एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द राजधानी, एंड नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें नागरिकता या राष्ट्रता का बोध होता है, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया द एशियन, द जापानीज, द इंडियंस, द इटालियंस, द चाइनीज, द फ्रेंच। इससे क्या होता है बेटा, इससे अगर हम यहाँ केवल इतना ही लिखते एशियन तो वहाँ की लैंग्वेज का पता चलता हमें, लेकिन द लगा दिया इससे क्या हमें पता चल रहा है कि वहाँ की नागरिकता। जैसे केवल इंडिया लिखा होता देश का नाम बता, लेकिन द इंडियंस मतलब भारतीय, जापानीज जापानीज के बारे में बात कर रहा है, द इटालियन तो वहाँ की जो नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता है उसके बारे में हमें पता चलता है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन इसने बोला है कि लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ज़रूरत के मुताबिक ई और एन का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें नागरिकता जो सूचक शब्द दिए जाते हैं अगर उनसे हमें काउंटेबल नाउन के बारे में पता चलता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हम ए और ए एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर विद जो ए के साथ हैं उनको लिखा है यहाँ पर, और जो एन के साथ हैं वहाँ पर मैंने इनको विद एन करके लिखा है। जैसे ए चाइनीज़, यानी किसी एक चाइनीज़ व्यक्ति के बारे में बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, द नेपोलियन, द स्विस, पाकिस्तानी, यहाँ पर ए फ्रेंचमैन, ए ग्रीक, ए जर्मन, ए कैनेडियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेटा ए यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे द इराकी, तो इराकी वर्ड यूज़ किया गया है आपका ई से, और ई में मैंने एन का रूल क्या बताया था आपको, वले ही हमारा वर्ड यानी कि जो नाम है वॉवल से स्टार्ट हो या कंसोनेंट से, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साउंड आता है ना, जो इसका हम उच्चारण करते हैं हिंदी में, तो वो हमारे स्वरों के स्टार्ट हो तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, और ई किस में आता है, स्वर में, तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलियन में आकाश उच्चारण आ रहा है स्वर का, तो यहाँ पर हमने एन का यूज़ कर दिया है। जैसे इंग्लिश मैन है, तो इंग्लिश में छुट्टी वाले ई का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों यानी रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले होता है। बेटा कुछ जैसे हमारे जो धर्म है हमारे हिंदुस्तान में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उन सभी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन मतलब उन धर्मों से जुड़े हुए, जैसे हिंदू से द गीता है, द रामायण है, द कुरान मुसलमान से जुड़ी होती है, द बाइबल, द महाभारत या द इलाह, तो बेटा ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं और इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों के पहले यानी कि जो भी आपकी बुक्स हैं जैसे द गीता है, द रामायण है, बेटा अगर इनके आगे अगर इनके ऑथर यानी लेखक यानी जिसने ये बुक लिखी है अगर उसका नाम अगर इसके साथ पहले यूज़ कर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला है वाल्मीकि रामायण, तो वो यहाँ पर बोला है मैंने वाल्मीकि रामायण, ठीक है, तो वाल्मीकि तो राइटर आ गए यहाँ पर हमारे वाल्मीकि जी, ठीक है। द रामायण ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने द यूज़ क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर राइटर का नाम कहाँ आया बेटा, पीछे आया, इसलिए हमने यहाँ द का यूज़ कर दिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर राइटर का नाम अगर आता है ग्रंथ से पहले तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग दिशाओं के नाम से पहले होता है। बेटा हमारी जो दिशाएँ होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, ये हमारी सब क्या होती हैं, हमारी दिशाएं होती हैं, इनसे पहले हम द का यू करेंगे। जैसे द ईस्ट लिखा है, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट,
लेकिन इसमें इसने बोला देखो, लेकिन दिशाओं के नाम से किसी विशेष स्थान का नाम स्टार्ट हो तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते हैं बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला वेस्ट बंगाल, तो बेस्ट क्या है? बंगाल। यहाँ पर बेटा बंगाल क्या है कि एक विशेष स्थान है, यानी एक शहर का नाम है बंगाल, ठीक है। यूपी क्या है? इंडिया में एक स्टेट है आपका, उसका नाम है यूपी, ठीक है। तो यहाँ बोल दिया गया नॉर्थ, तो इससे क्या है यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये विशेष स्थान की हमें बोध करा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए। लेकिन इसमें बोला है द एस्ट, द ईस्ट, द बीस्ट। बीस्ट का प्रयोग क्रम से पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के लिए बोल देते हैं, जैसे बोल देते हैं ना द वेस्टर्न कल्चर, इस तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखिए, केवल हम दिशाओं से पहले द का यूज़ करेंगे। अगर किसी विशेष स्थान से पहले अगर कोई भी दिशा अगर जोड़ दी जाती है तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज द का यूज़ मरुभूमि यानी रेगिस्तान, डेजर्ट के नाम से पहले करते हैं। बेटा जितने भी आपके डेजर्ट हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, ठीक है, तो उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, द सारा, द गोबी, द थार डेजर्ट, द अरबियन डेजर्ट, द काराकुम, द कालाहारी। लेकिन इसमें बोला द डेजर्ट ऑफ सारा एंड द डेजर्ट ऑफ कालाहारी, इनका यूज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग धार्मिक समुदाय यानी रिलीजियस कम्युनिटी के नाम से पहले होता है। बेटा जितने भी हमारे जो धर्म है, यानी हमारे इंडिया में जो भी धर्म होते हैं, जो भी हमारी समुदाय होते हैं, धार्मिक समुदाय, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, द ज्यू, द पर्सिनियन, ठीक है। तो ये हमारी किसी धार्मिक समुदाय के बारे में जब हम बात करते हैं और वहाँ पर द हिंदू या मुस्लिम इस तरीके से किसी कम्युनिटी की बात आती है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। चलो तो बच्चों बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है बेटा आपका द का प्रयोग फिजिकल पोजिशन एक्सप्रेसिंग वर्ड यानी किसी भी भौतिक स्थान सूचक से पहले शब्दों का अगर यूज होता है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप, एट द टॉप ऑफ। बेटा यहाँ पर एट द टॉप ऑफ से क्या पता चल रहा है, ये किसी भौतिक स्थान की बात कर रहा है, यानी किसी चीज़ के टॉप पर, यानी ऊपर किसी उच्च स्थान पर, ठीक है। द फ्रंट ऑफ यानी ये क्या बता रहा है आपको, किसी के सामने। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, किसी स्थान के बारे में, क्या किसी पोजीशन के बारे में हमें पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है। द बैक ऑफ, बैक ऑफ से क्या पता चला, किसी की चीज़ के पीछे। यहाँ पर सेंटर ऑफ बताया गया कि यहाँ सेंटर में, तो बेटा यहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। गाइज मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट भी किया करें और बताया करें। अगर मेरी वीडियो में अगर कोई भी कमी होती है तो आप मुझे मैसेज करके बताओ कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, वो मैं उस जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हम द का प्रयोग दुनिया की अनूठी वस्तुएँ यानी बात कर रहे हैं बेटा हम वर्ल्ड की यूनिक यानी अपने आप में जो चीज़ें अकेली होती हैं, जिसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, तो वहाँ पर उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, सन क्या है बेटा, सूरज अकेला होता है, चंद्रमा भी अकेला होता है, धरती अकेली है आपकी, तारे, वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, सागर है आपके, हवा है, ठीक है। द यूनिवर्स, द स्काई अकेला है, यहाँ पर द साउथ पोल, द एयर, इस तरीके से आपकी जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं वर्ल्ड में, यानी कि अपने आप में अकेली होती हैं, उनके आगे आप द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस यानी सरकार की शाखाओं के नाम से पहले आते हैं, यानी कि जो भी आपकी गवर्नमेंट की जो शाखाएं होती हैं ना आपकी, जैसे कि हम बोलें इंग्लिश बात करें द ज्यूडिशरी, द लेजिस्टिक, द एक्सिक्यूटिव, द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी। बेटा ये हमारी सरकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नौसेना, वायुसेना, थलसेना, जलसेना, तो इनके आगे क्या है हम द का यूज़ करते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट रूल इज द का यूज़ ऐतिहासिक साम्राज्य यानी कि हिस्टोरिकल एम्पायर, जाति हिस्टोरिकल कास्ट, स्थान हिस्टोरियल प्लेस,
वंश, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट। तो इनके आगे अगर हमें नाम से पहले क्या होता है बेटा, हमें इनके नाम से पहले हमें द का यूज़ करना होता है। किस किस के आगे? ऐतिहासिक, साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, काल के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं आओ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया आपका, जैसे बताया था मैंने आपको अभी, ऐतिहासिक साम्राज्य यानी हिस्टोरिकल एम्पायर। बेटा ये हिस्टोरिकल एम्पायर ये होते हैं जो भी आपके ऐतिहासिक में जो चीज़ें घट चुकी हैं, जैसे रोमन एम्पायर था, ठीक है, द मुगल एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, यानी कि ये साम्राज्य थे, गुप्त साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। तो इनसे क्या है, ये हिस्टोरिकल साम्राज्य, और इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऐतिहासिक जाति यानी हिस्टोरिकल कास्ट। बेटा द आर्यन, जो आर्य थे उनके आगे हमने लगाया, द नीग्रोज, द पिगमेंस, द एस्किमोज, द रेड इंडियन। बेटा ये जाति हैं, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जाति हैं, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका ऐतिहासिक स्थान यानी हिस्टोरिकल प्लेस, द गांधी मैदान, द पानीपत, द पिरामिड, द वाइट हाउस, द पेंटागन, द काबा। बेटा ये आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है ऐतिहासिक वंश यानी हिस्टोरिकल डायनेस्टी, ठीक है, द टोटा डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टी यानी पाल साम्राज्य की बात कर रहा है, पाल वंश, द मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश, सोलंकी वंश, द स्लेब यानी गुलाम डायनेस्टी। तो ये आपके ऐतिहासिक वंश हैं, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक इमारत हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द पिरामिड, द जामा मस्जिद, द गोलघाट। तो बेटा ये आपकी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि जो घटनाएं आपकी हिस्ट्री में घट चुकी हैं, ठीक है, तो उनके आगे आप द का यूज़ करेंगे। द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की युद्ध है, तो क्या है आपकी एक तरीके से ऐतिहासिक इवेंट है यानी हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। द सिविल वार, द इंग्लिश रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, अंग्रेजी जो क्रांतियाँ हुई थी, तो उनसे पहले ये क्या है आपकी ऐतिहासिक घटना है, इसीलिए इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ऐतिहासिक अवधि यानी हिस्टोरिकल पीरियड या एज की। बेटा जो भी हम बात करते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक समय की, जैसे ये आपका दिया गया है द मिडिल एज, द ओल्ड स्टोन, द एल्थावीज एज, द प्री हिस्टोरिकल एज, द विक्टोरियन एज, द न्यू स्टोन एज यानी पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, द विक्टोरिया का समय, जो भी कुछ आपके ऐतिहासिक अवधि थी, तो उनके आगे हमने यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टूल है आपका द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि जो आपकी राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं ना बेटा, उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया गया यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिटी की पार्टी, द समता पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। ये आपकी इंडिया में कुछ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके आगे आप द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले होता है। बेटा जो भी आपके जो वाद्य यंत्र होते हैं ना म्यूजिकल, जिनसे हम होता है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया गया द तबला है, द हारमोनियम है, द पियानो, द गिटार, इनसे पहले क्या होता है हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, तो पहले इनसे अ यानी ए और ए एन का प्रयोग करते हैं। अगर बेटा हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम ए या ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ही हैज़ ए गिटार, ठीक है, तो यहाँ गिटार क्या है, उसके पास एक गिटार है या वो एक गिटार रखता है, तो यहाँ पर ये काउंटेबल हो गया।
इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सी गिव मी ए हारमोनियम, उसने क्या मुझे एक हारमोनियम दिया। तो बेटा यहाँ पर हारमोनियम क्या आपका काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल में आपके में बताया गया है कि द सेम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किया जाता है। बेटा अगर आपका एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई एडजेक्टिव से पहले अगर हम द का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। रिच क्या है यहाँ पर बेटा आपका एडजेक्टिव है, पुअर क्या है आपका एडजेक्टिव है, सिक एडजेक्टिव आपका आप जानते हो, और यहाँ पर डम एडजेक्टिव है, यंग एडजेक्टिव है। इसने बोला कि एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगा देते हैं, तो जो हम द लगाते हैं ना उससे क्या होता है, उससे उस व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे ओनली अगर हम रिच का यूज़ करते हैं तो अमीर हो जाता है यहाँ पर, लेकिन हमने बोला द रिच, तो इससे क्या पता चला बेटा जितने भी अमीर लोग हैं उनकी पूरी क्लास को इसने क्वालिफाई कर दिया, यानी कि रिच पीपल यानी कि अमीर लोग, द लैम लैम पीपल लंगड़े लोग, द सिक द बीमार लोग। इससे क्या है द का यूज अगर हम प्लस एडजेक्टिव लगाकर करते हैं तो उससे हमें पूरी क्लास का यानी एक वर्ग का हमें बोध होता है। लेकिन इसने बोला है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी, ए ब्लाइंड मैन एक अंधा आदमी, ए रिच मैन एक अमीर आदमी। बेटा आप यहाँ पर ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल में क्या होता है आप ज़रूरत के हिसाब से ए या ए एन का यूज आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। बेटा आपकी जो डिग्री होती है ना आपकी पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव, तो डिग्री में आपका ये रूल दिया गया है कि द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है आपका द टेलेस्ट मैन द फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है। आपकी दो एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर, टेलेस्ट क्या है बेटा टेल, और कंपरेटिव बनती टेलर बन जाता, और सुपरलेटिव बनाइए तो हमने इसको टेलेस्ट बना दिया। लेकिन इसने बोला है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर द लगा दिया, द फास्ट फास्ट फास्टर और फास्टेड, तो फास्टर ट्रेन, तो यहाँ पर इसलिए हमने द लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल आपका बेटा द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी क्रमवाचक विशेषणों के पहले होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते क्या है बेटा आपके, होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ टेंथ नेक्स्ट लास्ट को हम ऑर्डिनल एडजेक्ट कहते हैं। बेटा जहाँ भी ये यूज़ करते हैं तो इनसे पहले हम द का यूज़ डेफिनेटली करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिया गया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बेटा यहाँ इसने बताया है कि ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे मैंने बताया था आपको, तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं द लास्ट। तो बेटा हमने यहाँ द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डिनल एडजेक्टिव यूज़ किया है। द नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। लेकिन रोमन फिगर से पहले द का यूज़ नहीं करते। बेटा आपने रोमन फिगर आपने पढ़ा होगा, जैसे हम एक इस तरीके से जो नंबर्स लिखते हैं ये आपका रोमन फिगर में आता है, और इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बेटा नेक्स्ट इसने बताया, देखो आपका नेक्स्ट लास्ट ये यूज़ किया हुआ, और इनके साथ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड समय सूचक शब्द जैसे कि वीक मंथ ईयर डे नाइट मॉर्निंग इवनिंग नाउन आफ्टरनून मिडनाइट मंडे ट्यूसडे ईस्ट जनवरी फरवरी ईटीसी से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बेटा ये आपके अगर नेक्स्ट और लास्ट दिए गए हों और प्लस उनके पास क्या है आपका टाइम, कोई ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए गए हैं जिनसे आपको पता चल रहा है समय के बारे में, समय सूचक, तो उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट वीक, तो यहाँ पर हम द लास्ट वीक नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है लास्ट वीक, इससे क्या बता रहा है ये हमें समय सूचक बता रहा है कि पिछला सप्ताह नेक्स्ट मंथ अगला महीना, तो यहाँ पर हम इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसने बोला द डायरेक्टर कम्स हेयर नेक्स्ट वीक,
बेटा हम यहाँ द का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ये आपका टाइम सूचक इसमें बताया गया द डायरेक्टर कम्स, डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर आते हैं, हेयर कम कब आते हैं, नेक्स्ट वीक, यहाँ पर अगले हफ्ते आएंगे। जैसे ही कम हेयर लास्ट नाइट, वो यहाँ पर आया था, कब आया था बेटा, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से हमें क्या पता चल रहा है, एक समय बता रहा हमें, वो पिछली रात आया था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे पहले द का यूज़ नहीं किया है। लेकिन इसने बोला है एट फर्स्ट एट लास्ट का प्रयोग द के अर्थात एट द फर्स्ट बिना भी हो सकता है। बेटा हम एट फर्स्ट और एट लास्ट का प्रयोग जो हम द के बिना भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट द लास्ट का प्रयोग नहीं होता है, एट द लास्ट का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है विद द पीरियड ऑफ टाइम और विदाउट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट सेंचुरी, फॉर द लास्ट मंडे, लेकिन विदाउट द के यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे हमें एक निश्चित समय के बारे में पता चलता है। जैसे कि सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट सेंचुरी, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल दिया गया बेटा आपका रूल्स नंबर 20। द का प्रयोग आविष्कार यानी इन्वेंशन की गई वस्तुओं के नाम से पहले होता है। बेटे जो भी आपकी चीज़ जिनकी खोज की गई, जैसे ये पेन, पेन है तो पेन की यूज़ की गई है, मोबाइल है तो मोबाइल की यूज़ की गई है, यानी उसको खोजा गया है, तो ऐसी वस्तुओं से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द टेलीविजन, या बोल सकते हो आप द टीवी बोल सकते हो, कैमरा, द टेलीफोन, द टेलीस्कोप, द वायरलेस, द माइक्रोफोन, द मोबाइल फ़ोन, द वाइक, यानी किसी भी वस्तु को आप ले सकते हो जिसको खोजा गया है, जिसका आविष्कार किया गया है, और आप उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रूल आपका बेटा कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के एक्सप्रेशन में कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। बेटा जब हम बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री, तुलनात्मक, जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बारे में या किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वहाँ पर हमें ऑफ द का यूज़ करते हैं और प्लस हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में अगर हमें पता चलता है, तो वहाँ हम जो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं वहाँ पर हम उसे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे इसने बोला है सुमन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज, यानी इस सुमन नाम का कोई लड़का है, इसकी कंपेरेटिव किसी की गई बेटा, इसने बोला है द मोर हैंडसम, क्या है द मोर हैंडसम, या मोर आपकी कंपेरेटिव डिग्री है और इससे पहले इसने यूज़ किया गया आपका द का, ठीक है। हैंडसम आपकी इसकी एडजेक्टिव है, ऑफ द टू बॉय, यहाँ पर ऑफ द का यूज़ किया गया, इसलिए बेटा यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले हमने द का यूज़ किया गया। नेक्स्ट रूल है बेटा आपका यदि दो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समांतरता यानी कि उनमें कंपेयर किया गया हो, ठीक है, या बढ़ोतरी या गिरावट का बोध होता है, तो वहाँ पर प्रत्येक कंपेरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेटा किसी, अगर हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करते हैं और वहाँ पर हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बारे में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, समान रूप से, तो उनमें अगर हमें कोई भी मान लो गिरावट यानी उनमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का अगर हमें पता चलता है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है आपका द प्लस कंपेरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा प्लस द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे एग्जांपल दिया गया बेटा आपका द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, द मोर ही गेट्स वो बहुत पाता है, द मोर ही वांट्स जब वो बहुत चाहता है, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, इसीलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है बेटा आपका कंपेरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होने पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले जरूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है। बेटा इसने यहाँ पर यह भी बताया कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और वहाँ से हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पता चलता है, जो कि हम
आर्टिकल ए और एन का कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, तो कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर अब बताया गया, एग्जांपल दिया गया बेटा आपका, लता इज़ बेटर सिंगर देन अस। बेटा यहाँ पर देखो, लता इज ए बेटर, यहाँ पर कंपेरेटिवली यूज़ की गई है, ठीक है, किससे, लता की तुलना की जा रही किससे, आयशा से, किस बारे में, कि वो बहुत उससे अच्छा गाती है, ठीक है। यहाँ पर सिंगर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया गया आपका, और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हमें साउंड की आवाज़ आती है वॉवल की, हिंदी वाले जो वॉवल आते हैं, तो यहाँ पर हम एन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल इज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की स्ट्रक्चर, फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है बेटा, यानी कि कोई अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया, यानी कोई नाउन है प्लस, यानी उसमें बीच में ऑफ यूज हुआ है फिर नाउन यूज हुआ है, तो पहली जो नाउन आती है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया, द वाटर ऑफ दिस बैल, बेटा यहाँ पर ये बैल यूज़ किया हुआ है, ये भी नाउन है आपका और ये भी आपका नाउन है, और इसके बीच में यह क्या यूज़ किया गया आपका ऑफ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया बेटा, द यूज़ किया है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला गया है द पीपल ऑफ झारखंड, तो झारखंड क्या है बेटा, आपका नाउन है और पीपल भी आपका यहाँ पर नाउन है, और बीच में यूज़ किया गया आपका ऑफ का, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया गया यहाँ पे, द का। यानी कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो जो फर्स्ट नाउन होगी उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए और अपने नोट्स में से ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको बेनिफिट मिले और मैं इससे बेटर आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। तो गाइस वीडियो को आप वॉच किया करें और लाइक किया करें, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज द का प्रयोग समाचार पत्रों अखबारों के नाम से पहले किया जाता है। बेटा आपकी जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, जो मेन न्यूज़पेपर होते हैं, उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बोला गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है आपका, यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम है, और इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया बेटा, आपका आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इंडियन नेशन, ठीक है, ये आपके कुछ न्यूज़पेपर हैं, और भी हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर, उनके आगे हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन इसने बताया गया, लेकिन पसेसिव के बाद समाचार पत्रों व अखबारों के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है, जैसे टूडेज हिंदुस्तान टाइम्स, आवर टाइम्स ऑफ इंडिया, बेटा यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ अधिकार बता रहा है, जैसे टूडे आज का, हिंदुस्तान का, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल दिया गया बेटा आपका, द का यूज़ संग्रहालयों, यानी म्यूजियम, पुस्तकालयों, लाइब्रेरीज, होटल, भोजनालय यानी रेस्टोरेंट्स, नाटक गृह यानी थिएटर्स, क्लब, सिनेमाघर यानी सिनेमा हॉल्स के नाम से पहले होता है। बेटा जितने भी आपके यहाँ पर लाइब्रेरी होते हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, थिएटर होते हैं, क्लब होते हैं, या पिक्चर हॉल होते हैं, या म्यूजियम होते हैं, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के थ्रू बड़े आसानी से आप समझेंगे, द ब्रिटिश म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, बेटा ये या मथुरा म्यूजियम भी है आपका यहाँ पे, हमारे मथुरा में, यहाँ से आप बहुत आसानी समझ सकते हैं कि ये म्यूजियम है, तो इसके पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आपका बेटा द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का नाम है ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो इसके आगे हमने आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट होटल द अशोका होटल, कोई होटल है जिसका नाम दिया गया है, ये अभी फेमस होटल है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। ऐसे बेटा ये भोजनालय है आपका, ठीक है, इसके आगे भी हमने आर्टिकल द का लगाया है। ये कोई थिएटर का नाम है आपका, ठीक है, द ग्लेव थिएटर, द अप्सरा थिएटर, बेटा ये आपके थिएटर हैं यानी नाटक गृह, यहाँ पर नौटंकी वगैरह होती है, तो वहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कोई क्लब है, द लॉयंस क्लब के नाम से,
तो यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बेटा, बहुत से आपके सिनेमाघर होते हैं जैसे कि उमा टॉकीज़, द अनु टॉकीज़, तो इस तरीके से आप यहाँ सिनेमाघर हैं उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपके थिएटर या सिनेमाघर का पिक्चर हॉल का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रूल है आपका द का यूज़ पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम से पहले होता है। इसका मीन्स ये होता है बेटा, जो भी आपके शरीर के जो अंग होते हैं ना उनके नाम से पहले आर्टिकल हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई कॉट हिम बाई द आर्म, मैंने उसको पकड़ा किसके द्वारा, आर्म, या आर्ट, ये आपका पार्ट ऑफ बॉडी है और यहाँ पर इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है। नेक्स्ट, सी वॉज वॉन्डेड इन द फुट, वो घायल हो गई थी, कहाँ पर हुई थी बेटा, इन द फुट। फुट क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है, इसीलिए हमने आर्टिकल यहाँ पर द का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल है बेटा आपका डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दो सच द सेम सेम एनी ए सर्टेन अदर एन उदर, एनी अदर के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर बताया गया है द एलिफेंट सच वाटर, यानी कि इनके बाद आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ दिस के बाद अगर हम यहाँ बोलें कि अगर हमें द एलिफेंट करना है तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है कि डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वहाँ पर यूज़ होता है, वहाँ पर हम उसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज़ द एलिफेंट या सच द वाटर, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें आर्टिकल इनके बाद यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल है आपका पैसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, इज, हर, इट्स, देयर के बाद द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपका ये पैसिव एडजेक्टिव आते हैं तो उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आवर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। योर ब्रदर, ऐसे नहीं बोलेंगे योर द ब्रदर, नहीं ना, क्योंकि गलत हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ बोलेंगे योर ब्रदर, क्योंकि पैसिव एडजेक्टिव के बाद हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसने बोला है कि एपोस्ट्रॉफी के बाद भी द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है बेटा, अगर कहीं भी एपोस्ट्रॉफी अगर यूज़ की जाती है तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मोहन स्पेन, अब यहाँ मोहन स्पेन बोलेंगे, यहाँ ये नहीं बोल सकते मोहन द पेन, वो गलत हो जाएगा, नहीं, या हम ऐसे बोल सकते हैं राम्स फादर है तो इसको बोलें राम द फादर, गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का आप, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बारीक बारीक पॉइंट है बहुत ही। नेक्स्ट रूल दिया गया बेटा आपका किसी टाइटल पोस्ट से किसी व्यक्ति को इंकित यानी डेनोट करने के लिए, तो टाइटल ऑफ पोस्ट से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और इसकी हमें कोई भी पोस्ट है यानी उसको कोई टाइटल देना चाहते हैं, उसकी पोस्ट से पहले बेटा हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक बहुत बड़ा टाइटल है या एक हम पोस्ट है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है आपका, काफ़ी बड़ा पद है, तो बेटा उसका टाइटल देना चाहेंगे, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आपका नाउन इन अपोजिशन के केस में प्रयुक्त कॉमन नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बोला है सुरेन कॉमा द टीचर वाज फेमस, बेटा यहाँ पर नाउन इन अपोजिशन के केस में हम कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया सुरेन द टीचर, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम कॉमन नाउन टीचर क्या है, कॉमन है, तो उससे पहले हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। सो गाइज, अभी काफ़ी रूल बचे हैं आर्टिकल के, अभी हमने सीखा कि हम द का यूज़ कहाँ करेंगे। अभी इससे अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको आर्टिकल द का यूज़ कहाँ नहीं करना है। ठीक है गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको किसी भी रूल में अगर कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.